हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे फ्लैट फीट के बारे में। फ्लैट फीट का मतलब होता है कि अगर आपका पैर बिल्कुल फ्लैट या चपटा होकर ज़मीन पर पड़ रहा है, उसमें ऐसी कोई आर्चेज नहीं बनी हुई हैं, तो उसको हम फ्लैट फीट बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी बच्चे जब बर्थ के टाइम पर होते हैं तो वो सारे के सारे फ्लैट फिटेड होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, एक साल के बाद चलना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे पैर के अंदर ये आर्चेज बनना डेवलप हो जाती हैं और वो नॉर्मल फीट के हो जाते हैं। बट 15-20% बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये आर्चेज डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो उनकी बाद में भी फ्लैट फीट की कंडीशन बनी रहती है। अब उसमें अलग अलग सिचुएशन भी होती है, कुछ डिजीज़ भी होती है जिनकी वजह से फुट फ्लैट ही रह जाता है, कुछ नेचुरल जो इवोल्यूशन है, जो एज के साथ साथ बढ़ना है, उसमें उनकी आर्चेज बन ही नहीं पाती हैं। तो अब अगर हम बात करें कि दो तरीके के मोटे तौर पर फ्लैट फीट होते हैं, एक होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट होते हैं, मतलब कि जब उनका पैर ज़मीन पे पड़ता है तो वो फ्लैट होता है। जब उस पेशेंट को हम बोलते हैं कि पंजे पर खड़ा होकर दिखाएं, तब उनकी वो आर्चेज जो हैं फुट के अंदर वो डेवलप हो जाती हैं, तो इनको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट। दूसरे होते हैं रिजिड फ्लैट फीट, कि उनको जब हम पंजे पर खड़े होने के लिए बोलते हैं तब भी कोई आर्चेज डेवलप नहीं होती हैं, वो रिजिड फ्लैट फुट होते हैं जो ज़्यादा पेनफुल और प्रॉब्लमेटिक होते हैं। फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट इसीलिए होते हैं, जो लिगामेंट होते हैं वो इतने लैक्स होते हैं कि जब आप वेट बियरिंग करते हो तो वो इस तरीके से फैल जाती हैं सारे के सारे लिगामेंट और बोन प्रेशर्स के साथ कि फुट फ्लैट पड़ता है। तो उसके अंदर आप एक्सरसाइज करके कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप इस कंडीशन के अंदर हो, बट जो रिजिड फ्लैट फुट है उसके अंदर एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फुट जो है वो फ्लैट होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो बच्चों के अंदर एक सिचुएशन होती है जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल वर्टिकल टैलस। इसमें पैर के अंदर एक बोन होती है टैलस, नॉर्मली उसका एक एंगल होता है, अगर वो उसके बजाय वर्टिकल हो जाए तो फुट की जो पोजिशन है वो फ्लैट फीट की हो जाती है। दूसरी ऐसी सिचुएशन जो होती है उसके अंदर एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं नेविकुलर बोन। अगर उस नेविकुलर बोन के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है जिसको हम एसेसरी नेविकुलर पार्ट बोलते हैं, और वहाँ पे आके एक टेंडन का अटैचमेंट भी होता है टिबियालिस पोस्टीरियर का, तो उसके ओवर एक्शन की वजह से और उस बोन की वजह से वो सिचुएशन फ्लैट फीट की होती है। अगर हम एक्सरे करा के देखते हैं जिसमें ये सिचुएशन दिख जाती है तो हमें ये पता लग जाता है कि इसका कारण ये है और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है सर्जिकली। तीसरी सिचुएशन जो कॉमनली होती है जिसे हम बोलते हैं टार्सल कोएलिशन, इसमें जो बोन्स होती हैं फीट की, जो टार्सल बोन्स होती हैं उनके बीच में कुछ कार्टिलेजनस पार्ट बनता है जिसकी वजह से बोन जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, तो ये भी एक रिजिड फ्लैट फुट की तरफ लेकर जाती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ को हम किसी और वीडियो में और डिटेल में भी समझ सकते हैं। तो जब ये फ्लैट फीट की सिचुएशन होती है तो उसकी वजह से कुछ लोगों को, एक तो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है आपके फीट के अंदर फ्लैट होने की, उसके साथ साथ आपको जब आप वेट बियरिंग करोगे तो वो प्रेशर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जिसकी वजह से पेन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, रिजिडिटी रहती है उसके साथ साथ और थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है चलने के अंदर। तो नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी लाइफ उसमें कोई सीवियर प्रॉब्लम उसके अंदर फ्लैट फीट की वजह से नहीं आती है। तो दूसरी बात, जब आप देखेंगे कि जब फ्लैट फीट होता है तो थोड़ा सा उसके अंदर वेलगस शेप हो जाती है फीट की, तो वेलगस होने की वजह से जो टेंडो एकिलिस होता है, जो पीछे की तरफ एक टेंडन होता है, उसका अलाइनमेंट फुट के साथ थोड़ा सा बाहर की तरफ वेलगस अलाइनमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से भी पेन होता है, क्योंकि टेंडो एकिलिस का लिगामेंट खींचता है, उसकी वजह से भी पेन होता है। बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे या डॉक्टर्स भी काफ़ी हद तक बोलते हैं कि आप शू के इंसर्ट लगा लो, तो वो एक टेम्प्ररी सॉल्यूशन है और उससे कभी आर्चेस डेवलप नहीं होती हैं, वो एक तरीके से वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो सही बात ये होती है कि आप राइट कॉज को आइडेंटिफाई करो कि आपके केस में वो फ्लैट फीट किस वजह से है, और अगर वो फ्लेक्सिबल है आपने देखा चेक करके, तो चांसेस होते हैं कि धीरे धीरे फुट की एक्सरसाइजेस करके आप उनकी आर्चेस को कुछ हद तक बेटर कर सकते हैं, बट पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते हैं। और अगर उसका कॉज कुछ सर्जिकल है तो सर्जिकल प्रोसीजर के बाद भी उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। आर्मी के अंदर ये एक बहुत बड़ा रिजेक्शन का कॉज होता है फ्लैट फीट होना, तो अब उसके अंदर या तो बिल्कुल रिजिड फ्लैट फुट है तो बिल्कुल परमानेंट रिजेक्शन हो जाएगा, तो फिर क्योंकि उसमें चांसेस नहीं है कि उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर कोई मैकेनिकल कॉज है जिसकी वजह से हो रहा है, या फिर अगर वो टेम्प्रेरी कॉज है
तो जैसे उसमें 15 डेज़ का अगर टाइम मिलता है दोबारा री मेडिकल के लिए, तो उसमें भी इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जितने भी लोग हैं जो डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं, उनको जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो मेडिकल के होते हैं, ब्रॉड पॉइंट होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए पहले से ही, और चेक करके एक सही स्पेशलिस्ट को पहले से दिखा के उसका असेसमेंट कराना चाहिए कि भाई क्या कारण हो सकता है कि मेरे फ्लैट फीट हैं। फुट की एक्सरसाइजेस कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे टोज पे खड़े होकर आप अपने आप को किसी चीज़ का सपोर्ट करके 5 से 10 सेकंड के लिए खड़ा हुआ कीजिए। उसके अलावा आप हील पे खड़े होइए, उससे भी लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, और आउटर बॉर्डर ऑफ फीट पे खड़े होइए। उसके अलावा कुछ एक दूसरी एक्सरसाइज होती है कि जो मार्बल्स होती हैं, कंचे की गोलियां होती हैं, उनको नीचे डाल के पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में उनको पकड़ने की कोशिश करिए। तो इस प्रकार से कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो फुट की मसल्स के लिए स्ट्रेंथनिंग का काम करती हैं। तो आई थिंक कि ये बेसिक सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर। थैंक यू।